ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। नमस्कार, घरेलू उपचार में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, धन कमाने के लिए स्वास्थ्य जरूरी है। अगर स्वास्थ्य सही है तो जीवन भर धन को कमाना है तो सबसे जरूरी है अपना स्वास्थ्य। स्वास्थ्य को हमेशा बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ आप इसका उपाय करते रहें। साथियों, इस धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके शत्रु न हो। तो मित्रों, शत्रु भी छोटे होते हैं, बड़े भी होते हैं। जान के प्राण के घातक वाले भी शत्रु होते हैं, लेकिन कुछ छोटे मोटे शत्रु होते हैं जो मजे लेते हैं। ऐसे भी शत्रु हैं, तो उसे शत्रुता नहीं लिया जाता है, क्योंकि वह आपसे मजे लेने के लिए है। और आसपास में छोटे मोटे बातों में लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, इसे भी शत्रु में नहीं गिनना चाहिए। शत्रु वही है जो आपके खून का प्यासा हो, जिसके कारण से आपको रात में नींद नहीं आती हो, आपका प्राण का घातक बना हो, आपके काम धंधों में बाधा उत्पन्न करता हो, जिसके कारण आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वही शत्रु है। उस वैसे शत्रुओं से डट कर मुकाबला करना चाहिए। तो मित्रों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा उपाय देता हूं, अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपका शत्रु का सर्वनाश तय है। शत्रु का बर्बाद होना तय है। तो मित्रों, इसके लिए आपको एक बात का ध्यान रखना होगा। शत्रु का पैर का मिट्टी आपको उठाना होगा, चाहे किसी भी पैर का हो। और एक ध्यान दें कि जब मिट्टी उठाना हो तो आप देखें कि किस रास्ते से जा रहा है, तो उसके पांव का मिट्टी थोड़ा उठा लीजिए, चाहे दिन कोई भी हो। और उठाकर ऐसे कपड़े में बांधे जो मिट्टी झरने न पावे नीचे। कपड़े को दो तीन परत करके तब बांधे कि ताकि मिट्टी झरने न पाए। और बांध कर सुरक्षित लाकर आप जहां कूड़ा करकट घर का झाड़ू बहारू करके बाहर रखते हैं वहां रख दें। लेकिन मिट्टी उठाने के लिए आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो जब मिट्टी उठाकर अपने कूड़े करकट में जो रखे हुए हैं उसको वहीं पड़ा रहने, घर में न रखें। और जब शनिवार के दिन आवे तो उस मिट्टी को वहां लाकर रखें जहां आपके घर के पूरे सदस्य अपना जूता चप्पल रखते हैं, वहां लाकर रख दीजिए शनिवार के। और शनिवार के दिन से ही उस मिट्टी पर अपने जूता हो या चप्पल हो 7 बार मारें। जितने घर के सदस्य हैं, जितने लोग हैं, बारी बारी से 7 बार अपने जूता या चप्पल से उस पर मिट्टी जो पुटली बनाकर रखे हैं उस पर मारें। यह क्रिया जब भी दिन में कहीं से आते हैं तो उस पर मारें, घर से बाहर निकलते हैं तब भी मारें। यह क्रिया को वहां रख कर करते रहें। मित्रों, शनिवार से शनिवार तक उस मिट्टी को वहीं रहने दें और
यह क्रिया 7-8 दिन तक कर दें, और करने के बाद वह जो मिट्टी का पुतली बनाए हैं वो अपना टॉयलेट या कचरे गंदे नाले में उसको बहा दें। अब देखें इस क्रिया से मित्रों आपका शत्रु तहस नहस हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, उसका सर्वनाश तय है, लेकिन वो आपका हकीकत शत्रु होना चाहिए। तो मित्रों मिट्टी किसी भी दिन को उठा लावे, जहां आप जूता चप्पल आपके घर के परिवार के लोग रखते हैं वहां रख के इस प्रयोग को करना। तो मित्रों यह एक छोटा सा उपाय शत्रु का सर्वनाश करने के लिए साक्षात तैयार है। तो मित्रों वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वीडियो में इतना ही, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।